हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनो राजस्थान 2M पर। आज हम आए हैं बूंदी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वर धाम और दिखाते हैं वहां का दृश्य और आपको वहां के पुजारी। भैया ये मंदिर तो बहुत पुराना है, 400-500 साल पुराना मंदिर है भैया। वैसे 4-5 पीढ़ी हमारी 5-6 पीढ़ी सेवा कर रही है। शुरू से हम ही सेवा पूजा करते आए हैं। मेरे पहले मेरे पिताजी थे, उनसे पहले उनके पिताजी के पहले उनके पिताजी, आगे से आगे ये दौर चला आ रहा है भैया। करीबन ये 2-500 साल पुराना मंदिर है। 2-500 साल से तो हमारी पीढ़ियाँ यहाँ सेवा पूजा कर रही है। उससे भी पहले क्या पता किसी ने तपस्या करी है भगवान की, कैसे प्रकट हुए कैसे नहीं। अगर ऐसे कहते हैं कि यहाँ साधु संतों का बड़ा ये है, जिधर देखो जिधर ही साधु संत ही साधु संत हैं, हर तरफ साधु संतों की समाधि है। तो उन्होंने तपस्या करी इसलिए पर्वत फाट के और महादेव उत्पन्न हुए अपने आप। अच्छा, ये पर्वत से निकला हुआ शिवलिंग है। हाँ, ये पर्वत से निकला हुआ शिवलिंग है भैया। जो भी यहाँ मन्नत लेके आते हो आप, जो भी कहोगे महादेव से, तो वो आपकी अवश्य पूरी होगी। भले से टाइम लग जाएगा, महीना दो महीना, बाकी होएगी सही। कोई लेकिन मन्नत पूरी होती है, हर मन्नत, कोई सी भी मन्नत हो। हमने सुना है यहाँ राजस्थान का प्रथम शायद रोपवे बनने जा रहा है। हाँ बिल्कुल साहब, यहाँ चल रही प्रक्रिया, महीने दो महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने में तैयार हो जाएगा। फिर उससे और ज्यादा पर्यटक आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे। जो अध्यक्ष है आपकी समिति का, वो श्री देवलाल जी चांदना है। हाँ सर, तो उनके माध्यम से ही बनवाया जा रहा है रोपवे। बिल्कुल, उनके माध्यम से, श्री देवलाल जी चांदना साहब के माध्यम से, उनके बच्चे हैं जो सभी लोग जानते हैं, मंत्री साहब है, खेल मंत्री अशोक जी चांदना साहब, उन्होंने सारा ये बजट पास करवाया है भोलेनाथ के नाम से। वो बहुत श्रद्धा रखते हैं महादेव के प्रति, दोनों बाप बेटे बहुत सेवा देते हैं। और अभी हाल ही में उनके छोटे वाले लड़के की पगड़ी बन गई, यहाँ के मतलब अध्यक्ष बन गए वो, दलवीर जी भाई साहब, दलवीर जी चांदना साहब। तो अब और नया चेहरा आ गया, तो और नई सोच के साथ नया विकास होगा।
सभी यात्रियों के लिए व्यवस्था होगी। यहाँ दुकानों के ऊपर भी होटल बनने का ये चल रहा है प्रक्रिया, कमरे बनेंगे, VIP रूम, रहने करने के लिए, सोने करने के लिए व्यवस्था होगी। और सभी लोग यहाँ के अच्छे हैं, दुकान वाले वगैरह सब, कोई किसी को परेशान नहीं करता, रात बारात कभी भी आओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब सारी सुविधा उपलब्ध होती है, सारी सुविधा उपलब्ध होती है। अच्छा, तो और क्या क्या बन है इसके अलावा भी कुछ देखने के लिए? उधर कुंड है भाई साहब, कुंड में जाओ, नीलकंठ महादेव के दर्शन करो, कुंड भी प्राचीन है, कभी पानी सूखता नहीं, ऐसा का ऐसा चलता है रहता है, झरना भी बंद नहीं होता, ऐसा ही चलता है झरना जैसे चलता है। यहाँ पर मुंडेश्वर महादेव है, इधर मुंडेश्वर महादेव नीचे, यहाँ पर जंगली जानवरों का तो खतरा नहीं होता ना? कभी कभी आ जाते हैं जंगली जानवर, जैसे ऊपर पानी खत्म हो जाता है ना तो फिर इधर आ जाते हैं नीचे।
यहाँ एक गुरुजी हैं जो काफ़ी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और आइए इनसे जानकारी लेते हैं गुफा के बारे में और मंदिर के बारे में, ये मंदिर का लगभग कितना पुराना है उसके बारे में। तो गुरुजी, ये मंदिर लगभग आप कितने वर्षों से यहाँ से हो? 46 वर्ष हो गए मेरे को। 47 वर्षों से? अच्छा, इससे पहले कोई और जवान आया था, बूढ़ा हो गया। अच्छा, 47 वर्षों से यहीं तपस्या कर रहे हो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है राम दयाल है, लेकिन मुझे बोलते हैं बूढ़ी सर बाबा की महात्मा कहे हैं। अच्छा, और ये मंदिर कितना पुराना होगा? लाखों वर्ष पुराना ही है, कोई पता नहीं है, कोई उल्लेख नहीं इसका। इसका कोई उल्लेख नहीं है, लगभग कितने संत महात्मा? बिल्कुल 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 सत्य बात। और यहाँ कोई भी मन्नत मांगते हैं तो हमेशा पूरी होती है? सच्चे मन से कहोगे तो जरूर हो जाएगी। और कुछ जानकारी है मंदिर के बारे? और तो कुछ भी नहीं। ये मंदिर मतलब यहाँ ऑटोमेटिक प्रकट हुआ है? आप ऑटोमेटिक, किसी ने नहीं बनाया, खुद मंदिर और मूर्ति ऑटोमेटिक, स्वयंभू स्वयंभू शिवलिंग, ऊपर रामेश्वर और नीचे बुढ़ेश्वर, स्वयंभू एक ही रूप है, ऊपर नीचे ले जाइए, वही मंदिर वही पत्थर वही मंदिर पत्थर रूप बनी दिए गए। और जैसे वो झरना चलता है तो बारह मास चलता है, तो पहाड़ों के अंदर से पानी कहाँ से आता है? ऊपर भी नाला है। अच्छा, ऊपर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 आ जाता है, धीरे धीरे आता रहता है, गर्मी में कम हो जाता है, गर्मी में कम हो जाता है, बारिश में तेज चलता है। और कुछ जैसे मंदिर में आपके इनके अलावा और गुफा वगैरह कुछ है? वो नीचे रामधुनी है। अच्छा, रामधुनी नीचे, ठीक है। कितना खूबसूरत नज़ारा है इन पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ के लगभग नीचे और ऊपर से देखोगे तो लगभग मध्य में बना हुआ मंदिर है, और ये शिवलिंग पंडित जी और गुरुजी की जानकारी के अनुसार ऑटोमेटिक प्रकट हुआ है। दोस्तों, यहाँ किसी ने शिवलिंग स्थापित नहीं किया, यहाँ हजारों वर्षों तक महात्माओं ने तपस्या की, और उन तपस्याओं का ही फल था शायद, इसलिए वहाँ शिवलिंग प्रकट हुए। और ये बूंदी जिले का ही नहीं, लगभग अपने पूरे हाडोती क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो शिव मंदिर है, और यहाँ हर 14 को मतलब मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं साल भर में। दोस्तों, आपने संपूर्ण मंदिर का दृश्य देखा, कितना खूबसूरत नज़ारा था। हमने आपको पंडित जी से भी बात करवाई और वहाँ की जानकारी दी। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।